किसी को पता है ये क्या हुआ? क्या चीज़? तो दुनिया में नहीं रहता, पहली बार कोई इतना बड़ा रॉकेट हवा में कैच करा। कैच करा? ये अगर पूरी वीडियो अगर बन जाए, ये दिख रहा है ना, ये देखने से छोटा लग रहा है, हाइट पता है कितनी है? तो 16-17 मंजिल जितना बड़ा ये रॉकेट, जितना बड़ा ये कमरा है। अब देखो, नहीं अब देखो, ये यूएसए में हुआ है, पर ऊपर से मिड एयर में कैच करा है, पहली बार लॉन्च हुआ हुआ रॉकेट को। पहले ये यहीं से लॉन्च हुआ था और बाद में यहीं आके वापसी कैच की। बड़ा आइकॉनिक मोमेंट था। बट चलो ये वेबसाइट है सही, अब हम इसका देखेंगे कहते हैं UI UX और ये इसकी SEO किस तरीके से बेटर है और ये यूजर फ्रेंडली कैसे है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब आपकी लॉन्च होती है ना तो उस पर सबसे ज़्यादा जो गूगल देखता है वो ये देखता है कि ये वेबसाइट किसी बंदे
पॉइंट टू बराबर भाई देखो पहले को होने में कितना लगा था, इसको होने में कितना लगा, फर्क कितना हुआ दोनों का, मतलब सबसे छोटे थे लेकिन सबसे बड़े तक पूरे वेबसाइट हो गई सही है। अगर आप वैसे देखो तो ओवरऑल 1.82 सेकंड्स लगे हो, बट अगर आप देखोगे भाई एक पूरी वेबसाइट को छोटे से बड़े पहले से लेकर आखिरी तक कितना टाइम लगा तो 0.2 सेकंड, तो तभी ये ग्रीन में दिखा रहा है। डेस्कटॉप पे देखो तभी और कम करो, डेस्कटॉप पे ये चीज अलग दिखा रहा है। और ये फर्स्ट टाइम टू फर्स्ट वाइट, मतलब आप लोगों ने एमबी पढ़े होंगे, जीबी पढ़ा होगा भैया, तो मोबाइल की स्टोरेज जीबी में होती है। जब भी कोई आप पेज लोड करते हो ना उसके एमबी लगते हैं, जैसे आप इंटरनेट का पैकेज कराते हो ना तो उसमें दिखा रहा है भाई पहली बाइट। अब पहले होता है भाई बाइट, फिर होता है एमबी, फिर होता है जीबी, फिर होता है टेराबाइट। तो उसमें बता रहे हैं पहली बाइट लोड होने में कितना टाइम लगा, 0.6 सेकंड। ये देखो मायने नहीं रखती है चीजें, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये यूजर एक्सपीरियंस पे बिहाफ करा। अब अगर ये लार्जेस्ट में अगर याद है ना 3 सेकंड, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, मेरे समझो बैकग्राउंड पे ये बड़ी सी इमेज थी, फर्स्ट करो ये बड़ी सी इमेज थी, अब इस इमेज को लोड होने में 3 सेकंड लगता है, क्या होगा मेरी वेबसाइट पे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ क्या रहा होगा, इधर ऐसे हेडर आ रहा है, मैं नीचे आऊं, अब देखो पूरी वेबसाइट क्या हुई है, लोड हो गई है, जबकि इतनी सारी पिक्चर है तब भी क्या हुई है, लोड हो गई। तो आपकी वेबसाइट आपकी चीज के हिसाब से ही बनेगी। नीचे आऊंगा, परफॉर्मेंस कितनी है वेबसाइट की, 37%, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, 83%। ये चीज होती है कि मैं एज अ यूजर इस वेबसाइट को कितने परसेंट एक्सेस कर सकता हूँ, मैं 83% वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, बाकी वेबसाइट का परसेंट 17% मे बी डेवलपर ने बंद करा हो गया इसका, ये गूगल का होता है। बेस्ट प्रैक्टिस लोगों के दरमियान कितनी रही है, 96। SEO कितनी हुई है इसकी, परफॉर्मेंस में मसला आ रहा है। अब नीचे आओगे तो परफॉर्मेंस वाइज दिखा देगा, अब ये दिखा रहा है लोड कितनी देर में हुई है, पहले ये आया फिर ये आया फिर वही 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 फिर एकदम से थोड़ा वो हुआ उसके बाद ये चीज़ है। ये पूरा वो दिखा रहा है, इसने वेबसाइट को खुद खोला है अपने पास, तो जब खुद खोला है तो इसने हमारी आंखों से तो नहीं पता चला ना 1.8 सेकंड, इसने 1.8 सेकंड को भी डिवाइड कर दिया काफ़ी सारे उसने कि किस स्टेज से गुजर गुजर के वेबसाइट खोली। अब अगर इसी का पाप यूज करेंगे, देखो लार्जेस्ट कॉन्टेंट को कितना टाइम लग रहा है, इंटरेक्शन 512, कम्युनिटी शिफ्ट आओ 0.97, फर्स्ट कंटेंट को कितना टाइम लग रहा है 4.96, इसमें टाइम ज़्यादा है ठीक है। फर्स्ट टाइम टू बाइट कितना है 1.2। अब नीचे आऊँगा परफॉर्मेंस कितनी है भाई, 30, एक्सेसिबिलिटी 86। जो मेन चीज़ बात आती है वेबसाइट की वो परफॉर्मेंस पर आती है। अब क्योंकि देखो पावरफुल जैसी वेबसाइट है बंदा चाहे 10 घंटे रुक जाए, अगर उसको काम होगा तो काम लग ही जाए, या अगर खाड़ी पे सेल लगी हो, अगर आपके मनपसंद का कोई सूट मिल रहा हो वहाँ से तो वो वेबसाइट चाहे 10 घंटे नहीं चला, 10 घंटे बाद भी खोल के लोगे अब चली या नहीं चली सही है। तो इस तरीके से ये तो एक आपका खुद का एक साइकोलॉजी था कि आपको उसी चीज़ से चाहिए था, उसका इंतजार कर रहे हो, बट अगर मैं अपनी कोई चीज़ बेच रहा हूँ ना और उसके लिए मैं चाह रहा हूँ बंदा मेरी वेबसाइट पर आगे चीज़ खरीदे, तब वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि बंदे वहीं बैठे बैठे बंदा अपना माइंड बनाता है कि खरीदनी है और वहीं से बैठे बैठे शिफ्ट होकर आपके वेबसाइट पर आ जाए। तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस छोटी से छोटी लगाओ, जैसे हम एक PNG होती है और एक JPG होती है, आप JPG फॉर्मेट यूज करोगे। हर वेबसाइट में हमेशा इमेज का फॉर्म जो होती है वो JPG होती है, क्योंकि JPG की जो फाइल साइज होता है वो छोटा होता है ठीक है। आप जो है वो जो आप कोडिंग में जो यूज़ कर रहे हो, जो आप प्लगइन वगैरह यूज़ कर रहे होते हो वर्डप्रेस में, वो आप कम से कम कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड और क्रेडिबिलिटी ज़्यादा अच्छी। तो आपके ऐप से अब ये देखो, अब ये भी उसने कहा कि बताया हुआ है अलग से, अगर मैं खोलूँ यहाँ पर आप ये देखना डेस्कटॉप का देखते हैं ताकि आपको समझ आए, 1, 2, 3, 4, 5 खाली उसके बाद आई। अब देखो खोला फौरन आ गया, क्यों क्यों, क्योंकि इससे पहले मैं ये वेबसाइट इसी ग्रुप पर खोल दूँ, मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा कहीं और खोल के देखता
देगा, आई थी 2 सेकंड की। तो ये अब देखो पता नहीं चली इतनी तेज जल्दी, बट अगर आप परफॉर्मेंस से बात करोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं। लोग इस पर काम नहीं करते बट करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ देख लिया आपसे कि अब जो भी उसमें मसले हैं ना सारे यार कोडिंग में क्या मसला है, वेबसाइट की कौन से उसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी कम हो रही है, या जैसे ये परफॉर्मेंस 37 परफॉर्मेंस क्यों वो ये रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, जावास्क्रिप्ट को लोड होने में टाइम लग रहा है यहाँ पे, मिनिमाइज मेन थ्रेड पर, रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड। थर्ड पार्टी कोड मतलब क्या भाई, आपका कोड है मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई हार्डी भी थर्ड पार्टी कोड यूज़ कर रहा है, अपना खुद का कोड इसका नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, वो कोड पहले थर्ड पार्टी के पास लोड होगा फिर मेरे पास लोड होगा। लार्जेस्ट कॉन्टेंट फुल पेंट 1100 400 कुछ आ रहा है, एलिमिनेट रेंडर क्लॉक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपके किसी काम का कुछ भी नहीं है इसमें। मैं आपको सीधी बात बता, क्योंकि सिंपली अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो आपकी 2-4 चीज़ों में काम चल जा रहा है, ज़्यादा कुछ आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको इसलिए बताई है ये चीज़ें ताकि आप अगर कहीं और काम करने के लिए जाओ ना तो वो बंदा पूछ सकता है, और आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी इसलिए भी है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर ऐसा हुआ कि अभी आपको मौका मिला इधर बैठने का, तो कम से कम आपको चीज़ के बारे में पता हो कि आप सामने वाले को डिफाइन कर सको। मार्केटर आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपको सिर्फ पता है फेसबुक के एड रन कैसे हो जाए, बाकी सब चीज़ें बाढ़ में जाए मैं कुछ नहीं आती, ऐसे आप नहीं बन सकते। आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट आप मास्टर एक चीज़ में कि मुझे SEO आती है, कैसे होगी कैसे होगी, बट करता नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं एड्स रन कर रहा होता हूँ, मैं मैनेजमेंट देख रहा होता हूँ, ठीक है, SEO दूसरा बंदा देख रहा होता है, जो जिसको एड रन करना नहीं आता बट उसको SEO आती है। तो स्पेसिफिक बंदा हर एक फील्ड में अलग मास्टर होता है, और उस अलग मास्टरी में ही आपको आगे जाके काम है। ऐसा कहीं भी आप देखने को नहीं मिलोगे कि एक बंदा SEO भी देख रहा है, एक बंदा फेसबुक के एड भी रन कर रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में चला आपको ऐसा कहीं मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं होगा कि फेसबुक एड वाले को SEO का ना पता हो, या SEO वाले को फेसबुक एड्स का ना पता, उनको पता होगा बट वो काम वो नहीं करते क्योंकि उनकी जॉब ही नहीं है, सही है। तो इसमें भी क्या है, आप इस तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ें, आप कीवर्ड्स देखो, आप एक पॉइंट्स में बना के देखो कि आप जो अपनी वेबसाइट पर काम करोगे तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखो। पहली चीज़ है कीवर्ड्स, उसके बाद कॉन्टेंट, उसके बाद आपके पास है बैकलिंकिंग। बैकलिंकिंग से हमारे पास दो तरीके के लिंक्स होते हैं, कौन कौन से भाई, इसका नाम कितने सुना है जी, सुना है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सही है। अब दो तरीके के लिंक्स कौन से होते हैं, एक लिंक्स होते हैं भाई तो आपकी वेबसाइट के, अब देखो जैसे यहाँ क्या है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास एक अलग सा पेज खुल रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा, क्लिक करते हैं ये बोलिए, अब अगर यहाँ से मुझे मिला रिटेलर्स का, ये मैं रिटेलर्स पे क्लिक कर रहा तो विकिपीडिया पे ही हूँ, मैं कहीं और गया नहीं हूँ, मैं अब किस पेज पे आ गया, रिटेलर के। तो ये क्या हुई मेरी बैकलिंक तो है भाई, ये कीवर्ड थी, ये होता है हमारे इंटरलिंकिंग कहलाती है, जो वेबसाइट के अंदर ही अंदर होती है। अच्छा, मैं 3 पेजेस घूम चुका हूं बट मैं हूं कहां पे अभी भी, विकिपीडिया पे ही हूं, इसको इंटरलिंकिंग कहते हैं। इस पे क्लिक करूं अब कहां गया मैं, अब मैं विकिपीडिया पे नहीं, क्या हुआ मेरा वेबसाइट से बाहर का लिंक। तो ये दो तरीके के लिंक्स होते हैं आपको जिन पे काम करना पड़ता है, ये दो तरीके के लिंक्स आपकी वेबसाइट को एक अच्छी भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखो मैं अपनी एक वेबसाइट पर 10,000 चीज़ें लिख सकता हूँ, कैसे काफ़ी है इस चीज़ का, ये काफ़ी काफ़ी इसमें देखो भाई कितने ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी ऐड कर दिया, लाहौर को भी ऐड कर, लाहौर करूँगा लाहौर की हिस्ट्री और लाहौर फैस मिल जाएगा यहाँ। सर ये तो हाइपरलिंक नहीं होती जितने भी दिए हैं ये सब, आप इनको बहुत सारे लफ्ज़ों के तरीके से कह सकते हो हाइपरलिंक। मैंने आप लोगों की आसानी की वजह से मैंने आपको ये दो तरीके से बता दिया, तो भाई ये वो लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर अंदर घूमते हैं, और एक होते हैं जो आप अपने उस वेबसाइट पर छोड़ते हैं। सर बैक लिंक क्या होता है, बैक लिंकिंग देखें यही बैक लिंकिंग कहलाती है। अगर मैं इसको करूँ ना इंस्पेक्ट पे,
अब देखें, इस लिंक पे आता हूँ, वही बैक लिंकिंग है ना इसे, इसलिए कि इसके पीछे बैक लिंक हुआ हुआ है। अब देखें ये क्या है, और अब देखो ये क्या है, ये देख लो ये क्या है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इन्होंने एक अलग से लिंक लगा दिया। नीचे आऊंगा विकिपीडिया लाहौर स्लैश लाहौर करके लगा दिया, ठीक है। नीचे आऊंगा अब उन्होंने भाई इनका वो चल रहा है, मैं इसको देखूंगा तो देखो अब ये क्या एक और आ गया सेकेंड हैंड, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने देखो विकिपीडिया विकी स्लैश बेहतर इंश्योरेंस ये भी आ गया। तो ये क्या है, उन्होंने बैक लिंकिंग ऐड करे हैं ऐसी तरीके, कोई भी आप वेबसाइट पे ऐसे बैक लिंक सेट करते हो तो ये ए एफ पर टैग लगता है, ये पूरा एक ही कोड गया था जिसमें आप एक लिंक डाल देते हो कहाँ से कहाँ आपने डायरेक्ट करना है और आपने क्या लिखना है इसके अंदर, गो अहेड करते हो। समझने को नहीं कह रहा मैं कोडिंग, बट आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। सर ये कीवर्ड भी होते हैं, ये कीवर्ड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप कीवर्ड के बाद अपने बैकएंड पे कोई चीज लगा दो, कोई मसला नहीं है। विकिपीडिया अपनी चीज़ अगर बेच भी रहा होता, विकिपीडिया सेल नहीं करता, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट, बट अगर विकिपीडिया में ई कॉमर्स स्टोर भी होता तो वो क्या कर सकता था, अगर पाक रील्स था, पाक रील्स पर अगर वो कोई चीज़ समझो कोई चीज़ डाली, जैसे प्रेशर वॉशर होते हैं अगर, या कोई समझो कार वॉशिंग टूल्स होते हैं, अगर वो इन्होंने भी लगाए होते तो क्या कर सकते थे, एक ऐसे ऑटोमोटिव पार्ट्स करके इस पर अपना एक बैक एंड पे स्टोर का लिंक डालते थे, बंदा इस पर क्लिक करता कहाँ पहुँच जाता इनके, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है बंदा डायरेक्ट आपके स्टोर पे पहुंचे, वो आपके ब्लॉग पे भी पहुंच सकता है। तो आप कोई भी अपना ब्लॉग भी लिखो वेबसाइट में, उस तरीके से आप ऐसे लिंक्स वगैरह ऐड करो ताकि आपकी वेबसाइट पे भी वो काम कर सके, समझे। और जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वो इंटरलिंक हो नहीं हुआ, वो एक्सटर्नल लिंक हुआ, ये जो है एक्सटर्नल लिंकिंग कराती है, ये इंटरनल लिंकिंग कराती है, सही है। जो एक तरीके से नाम कहा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग करें, एक होता है आपका ऑल्टरनेट टैग। ऑल्टरनेट टैग क्या होता है भाई, पता है क्यों, ये चीज हमारे पास फेसबुक पे भी होती है, वही चीज हमारे पास यहाँ भी होती है। ऑल्टरनेट टैग क्यों होता है कि फर्स्ट करो आपका डेटा बहुत आज तक चल रहा था और आपने फेसबुक खोला, और आपने फेसबुक पे खोलने के बाद आप कोई किसी ऐड पे पहुंचे, और ऐड पे पहुंचने के बाद ऐड की इमेज आपके पास लोड नहीं हुई और इमेज की जगह आपको एक टेक्स्ट लिखा आ गया कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट, ये चीज क्या होती है आपका, अब आप उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा है बट आप उस टेक्स्ट को पढ़ के पहचान लोगे हाँ यार ये पिक्चर किसके बारे में थी, एक लड़के के बारे में जो क्या खेल रहा है क्रिकेट। तो ये क्या हुआ आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट, यही सेम चीज यहाँ भी होती है, ये भी दिखा देता हूँ। अगर हम ऑल्टरनेट टैग इसलिए जरूरी होता है कि अगर किसी बंदे की कोई वेबसाइट वगैरह नहीं चल रही तो वो उस पे, लेट्स सी देखते हैं इस पे लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, जरूरी नहीं है हर वेबसाइट पर ऑल्टरनेट टैग लगा हुआ, लेट्स सी। जैसे ये लगी हुई है जिन्होंने अपनी इमेज का सोर्स डाला हुआ है और कुछ भी ऐड नहीं करा, नहीं डाल रहा मेरे ख्याल से, ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट आप उसको अगर, अब इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर जैसे ये मेरे ये मेरी लोड नहीं हुई तो उसके पीछे दिखा रहा था भाई येलो कुर्ता सलवार या सलवार कमीज, तो इस तरीके से ऑल्टरनेट आपका टेक्स। मतलब है तस्वीर ना है तो उसके पीछे डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तस्वीर को है ना इनर टेक्स्ट का और डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ ये जी। तो भाई यही तीन चीजें हमारे पास एसईओ की हैं और यही चीज आपको एज अ बिगिनर के लिए आपको नीड होगी कि आप उस पे काम करो, इसके आगे आपको एडवांस में कोई इतनी फास्ट चीजें नहीं पढ़ाऊंगा कि आप एपीआई वगैरह ट्रैकिंग करने शुरू कर दो। एपीआई में फिर ये हो जाता है कि भाई आप क्वालिटी इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीजें, बट इतना टैप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप अपने वेबसाइट एक न्यूली क्रिएट करी है किसने कर ली है
सेल्फ ऐड क्रिएट करी है, किस पे करेगी? सर वर्डप्रेस पे तभी से सॉल्व किया था, बस थीम डाली थी बस। भाई देखो डोमेन होस्टिंग खरीदना मुश्किल काम है, आपको 15 हज़ार तक की तो कोई भी डोमेन होस्टिंग खरीद वो पड़ जाएगी। सही है, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो तो आप, मैं कहूँगा कि आप डॉट कॉम के बजाय कोई और ले लो, कोई डॉट नेट ले लो, वो सस्ती डोमेन मिल जाती है, बट आपको उसमें इतना कोई ई कॉमर्स का मसला नहीं है। सही है, एक आपकी वेबसाइट का नाम है सर, वो जो मिलती है फ्री वाली इन्फिनिटी पे तो हमने बनाई थी, इन्फिनिटी पे ही सर ने बनवाई थी। नहीं मैं आज एक चीज बताऊंगा ना, इस पे आ जाना भाई, इस पे रजिस्टर कर लेना अपनी उसको। सही है, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, हम उठा रहे हैं सरकार फाउंडेशन का। सरकार फाउंडेशन की वेबसाइट है? नहीं, फेसबुक पेज है सर। सेव नहीं हुआ हुआ क्या? बना हुआ है थोड़ी है, ग्रीन मैन कह रहे थे सर्कल फॉर्म भी से, ठीक है। फाउंडेशन की ऐसी होती है ना भाई? हाँ हाँ ऐसी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपके पास बहुत सारे डोमेन आ जाएंगे कि जिन पर आप यूज कर सकते हो अपने, ठीक है। आप इसमें ले लो, मैंने ये वाली उस तरीके का इसमें सॉरी काफी है, ये इतनी कोई बुरी नहीं है, सही है बस, ओके है। बट एक वेबसाइट का ना एक मसला होता है, आप लोगों को बता दूँ, ये होती है सब डोमेन, लिखा हुआ तो है डोमेन, बड़ी होती है सब डोमेन। सब डोमेन क्या होती है? फर्स्ट और इन्फिनिटी की एक मेन डोमेन है, और उस मेन डोमेन से उन्होंने सब डोमेन बनाए हैं, और सब डोमेन को फ्री में दे, ठीक है। तो वो ये चीज़ है, सब डोमेन को थोड़ा रैंक करने में आपको मुश्किल हो सकती है, बट मुश्किल नहीं है, रैंक हो जाती है बट थोड़ी मुश्किल से होती है। तो क्या हो गया? चेक अवेलेबिलिटी क्यों बोल? नहीं नहीं मैं फाइल भेज रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ, वो नहीं। सही है, मैं एड चल रही है, गोल एडी पे 50 आ गया, मैं गोल एडी पे। देखो होता ये है, अब मैं डोमेन पे जाता हूँ, अब डोमेन से मैं यहाँ का रख देता हूँ स्टार्टिंग एट ₹1। सही है, कितने की? 5,000 की डोमेन आपको कितने में दे रहे हैं? ₹1। मैं यहाँ का लिख देता हूँ फर्स्ट करो, पहले साल में तो दे देगा ₹1 की, फिर अगले साल क्या करोगे? पहले में भी नहीं मिलेगी यार, बनी भी तो है वेबसाइट। हाँ सही है, चलो सर्कल फाउंडेशन डॉट इन्फो ले, ठीक है। अब देखो आप इस पर कर तो दोगे, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, मैं इसको देख लूंगा सब कुछ क्या है क्या नहीं है। 9,000 आ गया भाई ये तो, क्यों? दो साल एक साल कर देना, सिर्फ आप अकेले डोमेन नहीं खरीदते, होस्टिंग भी चाहिए होती है, होस्टिंग भी चाहिए, और आपको उसके साथ साथ उसका SSL सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो क्या होता है?
वो होता है जैसे ये आप कोई भी वेबसाइट खोलो ना, HTTP तो आ जाता है, HTTP के बाद जो S है ना ये नहीं आता। आप जब इंफिनिटी वाली वेबसाइट है उसमें खोलोगे नहीं आ रहा होता, सिक्योर नहीं होती वो। सिक्योर नहीं होती। अच्छा हमने ना जब इन्फिनिटी पे बनाई थी ना, तो वो हमारी जो बनाई हुई चीज़ें ना वो सामने नहीं आ रही किसी और लिंक पे, जब हम लिंक सेंड कर रहे थे। क्योंकि वो आपकी रैंक नहीं होती ना कोई वेबसाइट, आपको 2-4 महीने देख के रैंक करो फिर आ जाएगी। सर नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है, बस ये लिखा हुआ आ रहा है। देखें आप, चलो आपको बहुत खुशी होगी कि आपको 1 साल की डोमेन 1,000 रुपये में चाहिए है, बट तब भी आपका बिल कितना बन रहा है, सिर्फ डोमेन का बिल है 3,000 कुछ का है। अब क्या इसमें फुल डोमेन प्रोटेक्शन है, अगर आपने इसको ऐड करना है तो आप कर लो। इसके अलावा देखो आप कोई भी डोमेन खरीदो ना, उससे आप ये देख के खरीदा करो कि आप पहले साल तो चलो कर लोगे, दूसरे और तीसरे साल क्या करोगे। भैया दूसरे साल वो 7,000 अभी की प्राइस में लगा रहे हैं, डॉलर ऊपर नीचे को 7 के 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसी डोमेन लो जिसपे आपको रिन्यूएबल फीस कम से कम देनी हो, डोमेन का रिन्यू करवाते हो। अब वो इसको आपको दे रहे हैं आप भाई नए नए हैं, आपको 3,000 रुपये की दे रहे हैं, उसमें भी अपना घर बार चलाना है, गो डैडी ने, ठीक है। वो 3,000 अभी तो ले रहे हैं, 3,000 के बाद आपके वो खर्चे उड़ा देगा अगले साल में, तो 3,000 के बजाय ना ये 7,000 भी वहाँ फिर 12-13,000 रुपये देगा अगले साल। SSL होस्टिंग ये वो फलाना ढक्का, रिन्यूएबल फीस बहुत ज़्यादा होती है। इधर तो नहीं आपको समझ आएगा, नेम चीप है, नेम चीप के नाम को सुना है इसका नाम, यस सर। तो ये तो होस्टिंग भी दे रही है साथ साथ, तो सर होस्टिंगर भी तो ऐसे ही है। वही तो बता रहा ना, ये देखें इसमें वो चीज ऊपर ऊपर आ जाती है, वो दिखा देंगे। देखो ये आ रही है circlesoftskills.com, कितने की आ रही है, $14। आप बड़े खुश हो गया, $14 की आ रही है। $14 कितने होते हैं, 3, 5, 4,000 सही है। उसके बाद रिटेल कितनी आ रही है इसकी, 22, 19, 22, 10, 19, 118, 133, 102, 105, ये $2 की आ रही है। आप कहोगे $2 तो बड़े अच्छे हैं, अगले साल कितने देने हैं, $20। अभी का रेट है बढ़ गया इनका तो उसका कोई भरोसा नहीं, साल भर में कंपनियां बिक जाती हैं, कंपनियां खत्म हो जाती हैं। ये तो फिर भी 66 की दे रहे थे, 72 की हो गई। तो आप कोई ऐसी डोमेन देखो कि जिन पे रिन्यूएबल कम से कम, इतना फर्क ना, जैसे इधर था अगर आपका $10 या $7-8 का फर्क है तो ओके, वरना उसके अलावा अगर उससे अलावा तो आपको महंगी बहुत डोमेन पड़ जाएगी अगले साल की। तो ये तो कोई ऐसी डोमेन ढूंढो, अगर चलो आप ऐसी भी ले लो ना कि 1 साल में $19, अगले साल $22 या $25 कर, तो $19 आपके किसके हो गए, सिर्फ डोमेन नाम के। इसके बाद SSL सर्टिफिकेट लगेगा, उसके $7-8 अलग होते हैं, इसको आप समझो $20 के लिए, $7-8 SSL के लिए $27, $27 के बाद $25 के आपकी होस्टिंग सालाना, वो कितना हुआ आपके अराउंड के $60 तक बन जाएंगे आपकी, वही आपका बिल 10-15,000 तक पहुँच जाएगा। काम इधर से करो उधर से करो काम मिलती है भाई, वो भी अपना घर चलाना है, वो बस आपको बनाते रहेंगे $1 की $2 की। आप उसके अलावा पहले साल तो वो दे देंगे, अगले साल वो डबल चार्ज करेंगे पूरा करने, आपके पास बजट नहीं है, आप और क्या काम कर सकते हो, .bk की डोमेन खरीदो, चलेगी सिर्फ पाकिस्तान में, आप अपना काम करना काम कर सकते हो। वो होती है ₹4,000 में 2 साल, उसके साथ में होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, बट डोमेन की प्राइस आपकी आधी से आधी हो जाएगी, जहाँ 6,000 की थी वहाँ 2,000 में 1 साल की मिल जाएगी, ठीक है। तो जहाँ मतलब एक साल की 6,000 की मिली थी या 2 साल की 6,000 की मिली है, बट वो है .bk, उसे पाकिस्तान में चलेगी, उसे पाकिस्तान चल सकती है दुनिया भर में, बट जो रैंकिंग में दिखाएगा वो पाकिस्तान में दिखाएगा, कहीं और नहीं दिखाएगा। क्या होता है अब ये, अब देखो ये दिखा रही हूँ मैं अकाउंट टेबल वगैरह, अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड, इसको मैं कर दूंगा आई अप्रूव और ये कर दूंगा क्रिएट, तुमने ये क्रिएट करनी है वेबसाइट में, मजाक नहीं कर रहा है, सही है, जिसकी नहीं है उसको भी बता रहा। अब ये खोल गया, इसको फिनिश कर दूंगा,
अब मैं आप लोगों कंट्रोल पैनल के लिए काम कर दूंगा, जैसे वर्डप्रेस नहीं सीख रही वैसे इतनी आप लोग सिर्फ करूंगा कंट्रोल पैनल, ये एलिमेंट और प्रो है ठीक है, जो उसको प्लगइन करना पड़ता है ये वो प्लगइन स्कीम है। इधर से आप कौन किस पे जाओगे भाई, सॉफ्ट टेक इधर से आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर लो, ऐड में न्यू लोड लिख देते हैं भाई सर्कल पर सारे चेंज कर देना, बट द फॉलोइंग एज अ यूजर इज प्रोवाइडेड एज इन वैलिड कैरेक्टर, क्या भाई क्या भाई सर, इस पे इन्फिनिटी लिखा हुआ नहीं आया, नहीं आया ना वही तो बात है सर, views.com आ गया इसलिए। चलो भाई अभी आ रहा है नॉट वो, और ये क्या है मेरा इसका ये एडमिन पे, अब क्या करना है भाई इसमें देखो वो जो सिक्योर नहीं आ रही ना, वो सिक्योर का दिखा दो क्यों नहीं आ रही, देखो मैंने बना ली मेरा कंट्रोल मैंने तो वेबसाइट रहते हुए मेरी, अब मैं इस पे आऊंगा फ्री SL सर सर्टिफिकेट, अब इसको कैसे आप करोगे किसी ने करा है पहले, नहीं सही है, इसको देख लेना फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप इससे आगे न्यू SSL सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं जी। आपकी वेबसाइट तभी तो यहाँ नहीं खुल रही है, तभी तो ये आ रहा है जी, तो बन गई बट खुद इसलिए नहीं क्योंकि नहीं ये अगर हम किसी में तो ना फिर वापस एक और आईडी से एक और बना लेते हैं, वो पहले जो मेरी अपनी ईमेल है वो एक अकाउंट पे तीन वेबसाइट है यार एक्टिव रह सकते हैं, अब अगर तुम्हारा ऐसा है कि भाई तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पहले बन चुका है ये हो जाए तो उसके बाद दिखाना, तो अपनी वेबसाइट को डीएक्टिवेट करके डीएक्टिवेट हो गई ना डीएक्टिवेट वापस मैंने एक्टिवेट कर दी, तो अभी पहले एक ईमेल पे तीन बन सकते हैं ना अकाउंट, ये क्या मसला आ गया अपने कोई एरर दिखा दिया इसने कोई बात नहीं दोबारा एक दो बार ये एरर दिखा सकता है भाई, तो मुफ्त का काम है,
ये टाइम भी लेगा, बट एक दो बार ही मैप भी रेडी है, दोबारा क्रिएट हो रहा है, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। करें काम नहीं आता भाई, यहाँ पे बैठ के नहीं हो भाई। वैसे ही तुम एक फ्री का सर्वर यूज़ कर रहे हो अपने फ्री के सर्वर में, दो सर्वर एक साथ एक कंप्यूटर में खोल रहे हो, अकाउंट भी नहीं बचेगा ना, वेबसाइट बचेगी। लैपटॉप में, लैपटॉप में आओ या ये वीडियो बना ली ना एक ग्रुप पे डाल दें, सबको कहे ना सब्सक्राइब करें, जैसे ही अपलोड होता है सबके पास, यान के पास भी जाता है नोटिफिकेशन, हाँ तो बस उसके जाता है ना। सीखने का करना पड़ेगा भाई, तो उसको स्पीड से टू एक्स पे लगाओ भाई। मैं आपको दूसरी चीज सिखा रहा हूँ, या वीडियो से भी सीखना है या अपनी अपने क्लास में लैपटॉप जाना उसके भी बढ़िया करूँगा, ठीक है। अब क्या है भाई, प्राइवेट का मेरा ये सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया है, अब क्या मैं या तो ऑर्डर डिलीट कर दूँ या क्या कर दूँ मेरे ऊपर है। अब मैंने क्या करना है, कहीं भी क्लिक नहीं करना, मैंने क्या करना है इस शो पे करना है, ये मेरे पास क्या आ गई मेरी प्राइवेट कीज आ गई SSL सर्टिफिकेट। अब क्या करूँगा मैं, वापसी किस में आऊँगा, सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया। अब मैं बट मेरी वेबसाइट का अभी तक नहीं लगा, अब मैं अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाऊंगा वो देखा। अब मैं आ गया कहाँ अपने कंट्रोल पैनल पे, यहाँ आपको मिल जाएगा ये SSL क्लियर, इस पर आ गया कॉन्फ़िगर में चले जाओ। अब प्राइवेट की मांग रहा है, आपकी प्राइवेट की कहाँ से आएगी, ये देखो तो यहाँ से यहाँ पर क्या करा मैंने, कॉपी और यहाँ पे लाके कट किया पेस्ट रखा कर दिया अपलोड, सही है अपलोड हो गया, बार बार अपलोड नहीं करा, एक बार कर दिया सही है। अब ये क्या है मेरी सर्टिफिकेट की की है, इसको मैं क्या करूँगा कॉपी, इसको मैंने कॉपी करा और इधर देखो ये इधर एक और आ रही होगी CSR, तो छोड़ देना, अगर सर्टिफिकेट में आके इसको पेस्ट करके अपलोड सर्टिफिकेट, दैट्स इट आपका काम। अब क्या करोगे, थोड़ी देर सबर करोगे, इधर आओगे वापसी, इसको रिफ्रेश करो पेज को, नॉट फाउंड, दो ढाई घंटे रहेगा, तीन चार घंटे रहेगा फाइंड आ, ठीक है इस तरीके से आप उस पर जब ये फाइंड आ जाएगा तब वो वेबसाइट नहीं भी लिंक के जरिए से खोलोगे खुल जाएगी, उस पर फिर कोई मसला नहीं है, वापसी समझा दो ठीक है भाई। कहाँ है हमने सबसे पहले अपने अकाउंट के बाद SSL, SSL पे जाऊँगा, जो भी डोमेन है वो डोमेन याद आ दूँगा, ये डाल देता हूँ वापसी एडवांस में, ये करके क्या कर दूंगा क्रिएट होगा ऑर्डर के बाद मेरा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब भाई क्योंकि मेरा एक दफ़ा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है ना, मुझे हर बार ये नहीं दिया, मैं कोई और वेबसाइट बना थोड़ा सा, अब देखो मेरे अकाउंट पे एक एक्टिव अकाउंट है, मैं क्या करूँगा न्यू वेबसाइट क्रिएट नाउ, अब मैं दोबारा दूसरी वेबसाइट भी बना, एक ईमेल पे दूसरा एक ईमेल पे तीन वेबसाइट एज अ करेंटली मैनेज कर, ठीक है। देखो वर्डप्रेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, उससे अच्छा मैं कहूँगा आप प्लगइन पे जाना, अब क्या आना ऐड न्यू प्लगइन, या इधर आ जाओ कौन कौन से प्लगइन कर रहे हैं, ये दो प्लगइन कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा ऐड न्यू प्लगइन और मैं जाऊँगा इसको अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, अभी मैंने डाउनलोड करी थी एलिमेंटर प्रो की फाइल, उसको कर दूंगा यहाँ पे, हाँ मैं सेट कर दूंगा, क्या करूँगा ग्रुप पे सेंड कर दिया ना, मुझे अब मैंने सब कर दिया इंस्टॉल कर दिया, ये एलिमेंटोर एक सादा वाला है, एलिमेंटोर प्रो है, अब क्या है भाई इंस्टॉल होता है एक्टिव प्लगइन कर दूंगा। अब भाई कह रहा है एलिमेंटोर प्रो को चाहिए सबसे पहले क्या एलिमेंटोर सादा हो, तो भाई ये भी कर दो, अब ये एलिमेंटोर का प्लगइन डाउनलोड हो रहा है, हो
क्रिएट में आएगा, इस पे नहीं चले जाना, वापसी किस पे आ जाना, डैशबोर्ड पे अपने वर्डपेस पे। एलिमेंटर का उतना काउंट नहीं बनाओ, ठीक है, ये क्या हुआ भाई, चलो हो गया ना, मिट्टी गए। लगिन पे आऊंगा वापसी, इंस्टॉल लगिन पे आऊंगा, जाके एलिमेंटर भी अगर एलिमेंट और प्रो भी आ गया दोनों वर्ड निकल, बट अगर मैं इस पे जाऊं देखो अब क्योंकि वो डाउनलोड हो गया तो फैट नहीं आएगा। चलो पर अब मैं आ जाऊंगा अपने पेजेस पे, ये चीज तो पता ही लिखा करने का पता था आपको। अब मैं आऊंगा किसी पे भी, अब अपने किसी भी पेज को खोलूं, जैसे मैं इसको खोलूं, जैसे खोलूं मैं इसको एडिट पे जाता हूं और मैं इसको लिख देता हूं, जैसे यही आगे एडिट करना नहीं पता है तो बता रहे तुम भाई। सर पहले तो थीम डाउनलोड करते हैं ना, फिर हम सर थीम नहीं डाउनलोड करेंगे, रुक जाए थीम आप पता। एलिमेंटर के साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने लिहाज से कर डाल। अच्छा थीम डालने की जरूरत नहीं है, मैं पेजेस पे आऊंगा, बट पेजेस पहले बना देना सारे भाई। एड न्यू पेजेस पे मैं पहले जाता हूँ, ये तो आता था ना, ये नहीं 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 ये नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ ये इतना ही था, डायरेक्ट थीम डाउनलोड की थी और बस। अच्छा चलो ठीक, अलिफ सिर्फ अलिफ पढ़ना सिखाया था बस। अच्छा यहाँ तक आ गया था, ठीक है। इसमें कुछ चीजें होती है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स है, सही है, कमेंट्स एलिमेंट और का जैसे अलग से चीज आ रही है, ठीक है, टेम्पलेट वगैरह आ रहे हैं, प्लगइन टूल वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। जैसे मैंने ये एलिमेंट और प्रो का जैसे अपलोड करा, ऐसे ही मेरे पास कुछ क्या कहते हैं वो भी है, अगर कोई वेबसाइट होता है या वेबसाइट जैसे ये है ना, ये क्या है मेरे उसके पेजेस, ठीक है। तो अपनी ऐसी मेरी वेबसाइट की कितने अभी दो पेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी अभी तक हुआ नहीं हुआ, हो गया क्या, एक्टिव हो गया मेरा एसएसएल लग चुका है। अब अल्लाह भरे भाई मुझे, लेट्स सी अब खोलो, वो आने दो वेबसाइट खोल बैठा बस चल गई, जब कोई चीज चल जाए ना तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। गैस पे यहाँ से टेक्स्ट कर देना मिटा के, इसको कहीं और खोलते हैं, लेट्स सी अब खुलती है नहीं खुलती भाई। एक चीज दिखाता हूँ, ये करा हमने ऐसे से लगा दिया, मैं सिंपली से रेस्ट कर रहा हूँ, खुल गई, अगर नॉट सी चोर आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। अब मेरी ये वेबसाइट क्या हुई है, क्योंकि भाई देखो हमने वो एस लगा दिया है बट वो डिफॉल्ट में नहीं आ रहा था, कोई बात ठीक है, वापस खोल। सर समझ नहीं आया करा क्या, ऐसे हमें खुद लगाना पड़ेगा तो खुलेगी वेबसाइट। भाई देखें वेबसाइट अब आपकी वैसे भी खुल जाएगी, इसका नहीं है, एच टी वी की भी आप खोलोगे खुल जाएगी, उसको उस पर सर्टिफिकेट लगा हुआ है। वर्ड प्रेस में अगर अनइंस्टॉल करके अगर मैं इसको रिमूव करूँ, नहीं 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 करें ऐसी नहीं ना, रिमूव करके फिर दोबारा करूँगा ना, ये लिंक मुझे वर्ड प्रेस ने दिया है इस वेबसाइट पर, इसमें एस नहीं है, सही है, तो इसमें नहीं है तो मैं कहीं भी अभी करूँगा तो वो नहीं है, बट अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करूँगा तो ये मुझे एस के साथ देगा, इसलिए कि सर्टिफिकेट लगा हुआ है। यस सर। अरे क्यों कर रहा है, वापसी आ जाता हूँ मैं अपनी प्रोफाइल पे, अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, डीएक्टिवेट करेंगे क्या, अरे दो मिनट का काम है, और क्या करूँगा
अब मैं वापसी आ जाऊँगा अपने इंस्टॉलेशन पे, ठीक है। ये आ गया वर्डप्रेस, अब जब इंस्टॉल करूँगा अब देखना क्या होगा। अब मैं चाहूँ तो इसका एक्सेस मैं रयान को भी दे सकता हूँ, रयान को भी दे सकता हूँ, हसन को देना चाहूँ, आपको देना चाहूँ, मैं अपनी वेबसाइट का जिसको एक्सेस देना चाहूँ। अब देखो ये आ गया, अब खोलूँगा तो सही हो जाएगी, अभी भी नहीं आ रहा है तो इसको भी मैं फाइल करूँगा जो इसके सॉल्व नहीं हो रहा। बट बहरहाल भाई एक ऐसे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कट सफाई करके यहाँ पे ऐसा करना, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट अब चल रही है, अभी से इसके आ रहा है यहाँ पे सैंपल। अब मैं कोई और पेज ऐड करूंगा वो कैसे होगा, ये ना आधा वर्डप्रेस आदि बढ़ा दूंगा, अरे टैग बंद कर देना ज्यादा खराब। अच्छा भाई तो देखो ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा क्या है वर्डप्रेस का एंड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, कोई भी पेज मुझे ऐड करना, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते सैंपल, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर्विसेज का दिया है, यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो का दिया है, यहाँ पे मेरे एक्सपायरी बहुत सारी। मैं क्या आऊँगा इस पर आऊँगा एड न्यू पेज, ये पेज किसको दिया भाई। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है लॉग इन, मुझे तो आईडी पासवर्ड याद नहीं है, अब कैसे बोलूँ वापसी इस पर आऊँगा मैं इन्फिनिटी पे कैसे। देखो यही मेरी वेबसाइट थी, मुझे याद नहीं है मेरी उसका क्या था पासवर्ड, मैं क्या करूँगा आया अब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल में आऊँगा, इंस्टॉलेशन पहले से इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आ गया तो मेरी वेबसाइट आ गई, इस पर मैं डब्ल्यू पे क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पर मुझे लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा, This page I'm looking does not exist as yet. Remove these press certain below. क्या हो गया भाई? ये कौन से लेवल का है? गूगल सर्च कर लें पता चल जाएगा। गूगल पे नहीं आई होगी ये वेबसाइट। नहीं नहीं इनोड लिमिट की बात कर रही हूँ कि क्या होती है ये। भाई ये थोड़ा मसले मसाइल करेगा आपको शुरुआत शुरुआत में, अगर आप इसे आते नहीं हैं हर पीसी पे इसका अलग रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे वो चलते चलाते हैं तो कब वो उसको एनोड लिमिटेशन आ गई। इतने मसले मसाले फिर भी लोग वर्डप्रेस पे बनाते हैं। वर्डप्रेस आसान है,
ये कुछ भी अलग होती है जब आपको पहली बार ही कोई काम मिल जाए इसकी भी नाम सही है भाई। वेबसाइट भी बोलो और डैशबोर्ड भी बोल गया। प्लग इन पे देख लेते हैं भाई इंस्टॉल कौन कौन से हैं। नहीं है भाई अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एलिमेंटर ऐड न्यू प्लग इन सबसे पहले एलिमेंटर डाउनलोड कर लेना। ये जो कलरफुल वाला था ना यही हमने इंस्टॉल किया था। किट वाला हमने किया था नीचे ये नीचे 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 वाले ये वाला ये सर ने कराया था। बहुत सारे हैं करने को आप कुछ भी कर सकते हैं आपके काम के ऊपर होता है। मैं सिंपली उसके बारे में बात उसकी फाइल है मैं ये डाल दूंगा सही बात। उसके साथ जो भी पैटर्न लगेगा वो खुद कर लेगा वो खुद कर लेगा। देखो प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है अब इसको लगेगा यार प्लगइन अब दोबारा प्लगइन में जाओ इंस्टॉल प्लगइन में देखो एलिमेंटोर भी हो गया है और एलिमेंटोर का प्रो भी हो गया। प्रो इसलिए चाहिए था क्योंकि आप इसमें कस्टम मेन्यू वगैरह ये भी क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटोर सारे वाले में नहीं कर सकते सही है। मैं किसका दूंगा पेजेस। अब पेजेस क्या है भाई पेजेस से मेरे यहाँ सेकंड पेज आ रहा था मैं जाकर सर्विस बुक किया है मैं ऐड न्यू पेज कर या करूँगा सर्विसेज और क्या कर दूंगा इसको पब्लिक पब्लिश कर दूंगा। सैंपल पेज को चेंज किया है सैंपल के साथ एक और को ऐड कर कितने पेज बना सकते हैं जितनी मर्जी आपकी आ गया सर्विसेज। अब सर्विस पे क्लिक कर दूंगा अलग पेज अब और कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं इस पे ऐड करूंगा कि नहीं कि ऐसे सर्विस पे मेरी की जाए ज़्यादा अजीब तो लग रहा है। अब इसमें भाई अजीब तो लग रहा है तो उसको सही करेंगे सर। अब आप कोई भी पेज खोलोगे आ जाएगा एडिटेड एलिमेंट और आप इसको क्लिक करो सर। वैसे ये सब चीज़ें तो हम थीम डाल के भी एडिट कर सकते हैं ना। जो पिंक कलर का आ रहा है इस पे जाके एलिमेंटर के लिए वो नहीं आ जाती टेम्पलेट्स ये जो आ रहा है पिंक कलर का नहीं नहीं ये जो ड्रैग विजिट हाँ ये खुद भी कर लेगा बट मैं अपने अपनी भी टेम्पलेट्स होती है ना एलिमेंटर की। देखें आप जो वेबसाइट बना रहे हैं ना आप ऐसी वेबसाइट बनाओ कि जो पहले से लोग इस तरीके की बनाए हुए हैं जैसे मेरी सर्विसेज की है तो मैं सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट निकाल दूंगा। जैसे मेरे पास ये है ये एक मेरे पास ये है ये दोनों सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट्स हैं। एक ये है इसका नाम है शनाख मार्केटिंग के नाम से ठीक है नीचे आऊँगा देख रहे हो ये एनिमेशन से आप जो चीज़ें जिस तरीके से बदल रही है सब आप उसी तरीके से ये आपने खुद क्रिएट करी है। अब ये सिस्टम है ये और बड़ी जो है क्या कहते हैं वेबसाइट है ये भी देखो ठीक है। अगर आपको इस तरीके की वेबसाइट बनानी तो आपको बनाना पड़ेगा। अब मैं सर्विसेज से आ गया अब मैं सर्विसेज को देख रहा हूँ कि भाई अब मुझे इसके बाद क्या ऐड करना है। मैं ऐसी गए सर्विसेज का डुप्लीकेट बना देता हूँ सर्विसेज का करियर पे। अब भाई इसका ब्रांडिंग अब जैसे ये बॉक्सेस बने बने आ रहे अब मैं इसको ऐड करना शुरू करता हूँ। अब मैं पहले मुझे क्या ऐड करना है भाई कोई ग्रिड ताकि ये ग्रिड क्या है। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ कोई टू ग्रिड ऐड करना है पोर्टफोलियो लेफ्ट साइड के पोर्टफोलियो के तौर पर
या नहीं है, ये वाला सही है। लेट्स सी व्हाट डू आई प्रिंट इट इन द ये यही सही है। या मैं इसको एक और चीज करूंगा, मैं इसको एक क्या करूंगा, कंटेनर तो पहले यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। एक कंटेनर में हर चीज का अलग, अब इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ सकता हूँ अपनी चीजें डाल। अब देखो ये एक कंटेनर के अंदर है, हर साइड का मैं क्या करूँगा अलग अलग कंटेनर क्रिएट कर। अब मैं यहाँ पे ये चीज बनानी है, अब मैं इस पर यही आ जाऊंगा सिंपल। अब क्या करेंगे भाई हम, अब यहाँ पे मुझे क्या कोई फाइल अपलोड करनी है, मैं यहाँ पे फाइल अपलोड, ये मेरे पास थीम आ गए। अगर मैं अपने थीम में से कुछ करना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी अपनी कस्टम भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये मोबाइल फोन के हिसाब से भी दिखा रहे किस तरीके से क्या की जाएगी। तो आप जो भी वेबसाइट बना दो उसको सारी चीज़ों के लिए बनानी है, सारी चीज़ों से मुराद मोबाइल भी, लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी, सब चीज़ों के लिहाज से यूजर फ्रेंडली बने, ये यूजर एक्सेस। कहाँ गया वो, यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऐड करनी है क्योंकि देखो तीन चार अलग अलग, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा क्या ऐड करूंगा, यहाँ पे मुझे कोई क्या लगाने वाले, मुझे कोई आइकन लगाना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले इसको एक हेडिंग आ जाएगा, हेडिंग के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ था ब्रांडिंग, अब ब्रांडिंग पे क्लिक करूंगा तो सर्विस का पेज ही खुल जाए, बट इधर इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के बाद क्या है भाई, अब मुझे यहाँ पे कोई ऊपर आइकन लगाना है, तो मैं यहाँ पे तो देखूंगा भाई कुछ मुझे मिल जाए आइकन का, इमेज का और काम का इसके अंदर नहीं आ रही। ठीक है, मैं क्या करूँगा दोबारा क्या करूँगा, अब जब इमेज जब नहीं आ रही इसके साथ तो अब मैं क्या करूँगा, तो कंटेनर लूँगा, क्या करूँगा इसको पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब मैं इसके अंदर फिर एक दोबारा कंटेनर लूँगा। ठीक है, अब क्या था, एक कंटेनर के अंदर मेरा ये कंटेनर था, अब उसके अंदर मैंने एक और कंटेनर ले लिया, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ एक और भी ले सकता हूँ, तो एक एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो अभी अभी फट करा होगा मैंने सबसे बाहर वाला सेलेक्ट करा था और यहाँ पे मैं आयतन कर दूँ और आयतन को उठा कर मैं ले जाऊँ यहाँ पे, इधर ले जाऊँ भाई सबसे, और ऊपर आयतन आ गया, नीचे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ हेडिंग। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब यहाँ पे आयतन की जगह मैं कुछ भी पिक्चर लगा दूँ, और मैं कैसे करूँ तो हो गई है। अब मैं सुबह आऊँगा न्यू पेज आ गया वैसे ही। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ मल्टीपल चीज़ें ऐसे लगा सकता हूँ। अब इसमें मैं चाहता हूँ यार कुछ, अब ये मेरे हर उसमें आ जाएगा एडिट विद एलिमेंट, तो कोई भी पेज मुझे एडिट करना मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ मैं सिंपली अपने थीम के उस पर भी आके कर सकता हूँ। अब मुझे इसमें चाहिए क्या चाहिए भाई, मैं चाहता हूँ इसका साइज थोड़ा क्या हो,
एक कंटेनर ले लेते हैं, फिर बाहर एक कंटेनर लगा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ब्रांडिंग लिख लिया, यहाँ पे ज्यादा ब्रांडिंग का नीचे इसके ये लिखा बता, मैं तो यहाँ से ये कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे नीचे मुझे फिर से कोई हेडिंग ऐड नहीं करती थी, मुझे जाना था टेक्स्ट ऐड करना था, मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा और इसको एडिट करके कंट्रोल वी कर दूंगा। और इसके बीच में जो गैप है ना, गैप को मैं क्या करूंगा, चाहूँ तो उसको मैं क्या हुआ, फिर भी उस पे फिर भी क्या हुआ, ये बेटर हो गया है, सही है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बहुत कुछ बना सकता हूँ। अगर मैं इसको पूरा आगे तक ले गया, अब पब्लिश करूंगा, अब देखो वापसी आया, रिफ्रेश करा, अब ये पूरा आगे तक चले जाएगा, ठीक है, अब सही है। बट इसको कोने में लाना, सिंपली क्या करूंगा, इसको उठा के पूरे को निकले आया, फिर उसका सेंटर यही है, इसका साइज नहीं पता ना, ये सबसे बाहर वाला कंटेनर है ना, इसका साइज सही है, चलो खैर। इस तरीके से अभी शुरुआत के लिए, अभी आज के लिए इतना काफी है तुम लोगों के लिए, आगे ना क्या देखा।